मामा जी कभी ऊपर कभी नीचे और कभी बगीचे में आ जा रहे थे। उनके पहाड़ जैसे दुख को बांटने वाला कोई सगा संबंधी पास न था, क्योंकि उनका भांजा इस संसार को छोड़कर जा चुका था। मैंने कितना समझाया था कि आ तो गए हो चमकती सोने की नगरी में, लेकिन बच के रहना, बर्बाद कर देती हैं गोरी चमड़ी वाली गोरियाँ। पहले गोरे रंग और मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाती हैं, फिर जैसे ही शिकार की अंगूठी उंगली में पड़ी उसे लट्टू सा घुमाती है, फिर किनारा कर लेती है। छोड़िए मामा जी, समय को भी कोई वापस लाया है कभी? इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू विधि के अनुसार बेटा ही बाप की चिता को अग्नि देता है। सच तो यही है कि मैक्स सिद्धांत का बेटा है, यह उसी का हक है। लता कहती है, किस हक की बात करती हो जो धोखे से छीना गया हो? तुम तो उसकी दोस्त हो, तुम्हें तो मालूम है, साबी को देखो। उसे बहुत समझाया कि उस गोरी मेम को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, अवैध रिश्तों की गठरी बंद ही रहने दो। अगर गोरी मेम आ गई तो पड़ोसी माया बेवजह न्यूज ऑफ द वर्ल्ड का काम करेगी। लेकिन वह नहीं मानी, मैंने भी साबी से बात की थी। वह बोली कि मैकलिन भी तो सिद्धांत के जीवन का हिस्सा थी, दोनों कभी हम सफर थे। इतने में एक गाड़ी आ खड़ी हुई। लो आ गई गोरी मेम और उसकी नाजायज औलाद। मामा जी के कड़वाहट से कहा, मामा जी प्लीज शांत रहिए, यह भी सिद्धांत का परिवार है। मैकलिन उसकी एक्स वाइफ तथा मैक्स बेटा है, उसे झुटलाया भी तो नहीं जा सकता। सिद्धांत का पार्थिव शरीर बैठक में सफ़ेद झालरों से सजे बॉक्स में अंतिम दर्शन के लिए पड़ा था। मैकलिन और मैक्स के आते ही उन्हें सिद्धांत के साथ कुछ क्षण के लिए अकेला छोड़ दिया। मामा जी ने बाकी लोगों को गाड़ियों में बैठने का आदेश दिया। मामा जी ने कहा, तुम तो इस शहर को जानती तक नहीं। मैं मामा जी के साथ रहूंगी, पड़ोसी माया बोली। अब घर पर केवल माया तथा मामी जी थी। मामा जी तथा लता की बातें सुनने के बाद माया की जिज्ञासा पर अंकुश लगाना कठिन था। माया थोड़ी देर बाद बोली, मामी जी अच्छी है यह गोरी मेम, कितनी दूर से आई है बेटे को लेकर। आजकल तो अपने सगे संबंधी तक नहीं पहुँचते, लेकिन मामी जी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप उसे कैसे जानती हैं। ऐसा तो नहीं लगता है कि आप उससे पहली बार मिली हो। अब मामी जी का धैर्य जवाब दे गया। वे झुंझलाते हुए बोली, जानना चाहती हो तो सुनो, सावी से विवाह होने से पहले मैकलिन ही हमारे घर की बहू थी। सिद्धांत और सावी एक दूसरे को वर्षों से जानते थे। मुझे याद है कि सिद्धांत सावी का हाथ पकड़कर उसे स्कूल लेकर जाता और उसे स्कूल से लेकर भी आता। वह सावी के बिना कहीं न जाता, यहाँ तक कि अगर सिद्धांत को कोई टॉफी खाने को देता तो सिद्धांत उसे तब तक मुंह में न डालता जब तक वह साबी के साथ बांट न लेता। धीरे धीरे दोनों के बचपन की दोस्ती प्रेम में बदल गई। वह प्रेम बढ़ते बढ़ते इतना गहरा हो गया कि आसपास के मोहल्लों वालों ने भी इन दोनों को दो हंसों की जोड़ी का नाम दे दिया। उस प्रेम का रंग दिन ब दिन गहरा होता गया। सिद्धांत एयरफोर्स में चला गया और सावी आगे की पढ़ाई करने में लग गई। लेकिन जैसे ही सिद्धांत पायलट बना, उसकी माँ दहेज में कोठियों के ख्वाब देखने लगी, जो सावी के घर वालों की हैसियत से कहीं बाहर था। सिद्धांत ने विद्रोह में अविवाहित रहने का फैसला कर लिया और दोस्तों से पैसे लेकर माँ बाप को बिना बताए ही विदेश चला गया। किंतु उसकी माँ अड़ी रही। जिसने भी समझाने का प्रयत्न किया उसने दुश्मनी मोल ली। तब तक दोनों बालिग हो चुके थे तो उन्होंने भागकर शादी क्यों नहीं कर ली? माया ने उत्सुकता से पूछा। दोनों ही संस्कारी बच्चे थे, घर में बड़े बच्चे होने के नाते दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था। दोनों अपने इस बंधन को बदनाम होने नहीं देना चाहते थे, लेकिन वही हुआ जिसका सभी को डर था। विकट परिस्थितियों से
बचता बचाता सिद्धांत दलदल में फंसता ही गया। उसे किसी कारणवश मैकलिन से शादी करनी पड़ी। दोनों एक ही विभाग में काम करते थे। सिद्धांत की शादी की खबर सुन सावी के परिवार को बड़ा धक्का लगा। सावी तो गुमसुम हो गई। सावी के घर वालों ने पहला रिश्ता आते ही बिना पूछताछ किए सावी को खूंटे से बांध दिया। एक वर्ष बाद उसे एक बच्ची भी हो गई, लेकिन सावी तथा सिद्धांत दोनों के ही विवाह संबंध कच्ची बुनियाद पर खड़े थे, इसलिए अधिक देर तक टिक न सके। दोनों ही बेमन से बने जीवन से आज़ाद हो तो गए, किंतु पूर्ण रूप से खोखले हो चुके थे। सिद्धांत की शादी टूटने के बाद उसके मामा जी ने फ्रांस से उसे यूके में बुला लिया। वहां उसे रॉयल एयरफोर्स में नौकरी भी मिल गई। फिर समय बीतता गया। एक दिन अचानक एक संयोग ने एक बार फिर सिद्धांत और सावी को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। ऐसा हुआ तो दोनों के हृदय का धड़कन इतना बढ़ गया कि दोनों एक बार फिर सब कुछ भूलकर अपने प्यार की मीठी फुहार से भीगने लगे। कुछ महीनों बाद दोनों विवाह के बंधन में बंध गए, लेकिन शादी के कुछ समय बाद सिद्धांत प्लेन क्रैश में चल बसा। सिद्धांत की मृत्यु की खबर सुनते ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हम दोनों स्तब्ध थे कि उन दोनों का पुनर्मिलन कल ही की तो बात थी। इतने में ही फोन की घंटी बजी। फोन पर मामा जी थे। हेलो सुनो, हमें घर पहुँचते पहुँचते 6 बज जाएंगे, चाय तैयार रखना। सर्दियों का मौसम था। वे लोग लौट कर आए तो सब चुप बैठकर चाय पीने लगे। सावी निर्जीव बर्फ की प्रतिमा सी एक तरफ बैठी सोच रही थी कि कितना भद्दा और कूरर मजाक किया है कुदरत ने उसके साथ। अभी तक उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं छलका था, मानो आंसू सूख ही गए हो। सभी को सिद्धांत के चले जाने के गम के साथ साथ सावी की चिंता सताई जा रही थी। सावी रोती क्यों नहीं तुम? अब वह लौटकर नहीं आएगा, मामी जी ने सावी को समझाते हुए कहा। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। सावी एक कोने में बैठी टक टक की लगाए न जाने क्या सोच रही थी। उसकी दशा देख सभी चिंतित थे। 2 दिन से उसके गले में निवाला तक नहीं उतरा। मामी जी से उसकी यह दशा और देखी नहीं गई। उन्होंने सावी को झकझोरते जोर से उसे एक चाटा मारा और रोते रोते बोली, रोती क्यों नहीं पगली? अब सिद्धांत लौटकर नहीं आएगा, तुम्हें संभलना होगा अपने और बच्ची के लिए। यह जीवन कोई 4 दिन का जीवन नहीं है, संभाल बेटा संभाल अपने को। फिर वे सावी को ऊपर उसके कमरे में ले गई। मैकलिन तथा मैक्स अपने कमरे में जा चुके थे। सावी कमरे में सिद्धांत के कपड़ों से लिपट कर फूट फूट कर रोती रही। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं आई, कमीन, यस आओ बैठो मैकलिन, सावी ने इशारा करते हुए कहा। दोनों एक दूसरे से लिपट कर खूब रोए। दोनों का दुख साझा था, दोनों की चुभन एक सी थी। मैकलिन ने सावी को संभालते तथा खुद को समेटते हुए वह एक लाल रंग की अंगूठी निकालकर बोली, मुझे पूरा यकीन है तुम इसे पहचानती होगी। सावी की आंखों से बहते आंसुओं ने बिना कुछ कहे सब कुछ कह डाला। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैकलिन मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। इसे तो मैंने सिद्धांत को फ्रांस जाते समय दिया था, यह तो मेरी सगाई की अंगूठी है। तुमने इसका कहाँ मान रखा? फिर धीरे धीरे मैकलिन ने एक एक करके सावी के द्वारा सभी दिए हुए तोहफे उसके सामने रखे। मैकलिन ने बताया, सावी सिद्धांत तुमसे बहुत प्रेम करता था, तुम्हारी हर दी हुई चीज उसके लिए अनमोल थी, उसे जान से प्यारी थी। तुम्हारी दी हुई किसी भी चीज को दूर करने के नाम से वह तड़प उठता था। जब कभी वह उदास होता या हमारी तकरार हो जाती तो वह कमरे में जाकर और तुम्हारे दी गई तोहफों को सीने से लगाकर उन्हें सहलाते सहलाते वहीं सो जाता था। कभी कभी तुम्हारे एहसास के लिए घंटों इन चीज़ों से लिपट कर तुम्हारे गम में डूबा रहता था। जितना वह तुम्हारे गम में डूबता उतना मुझे अपराध बोध सताता। मुझे तुमसे जलन होती थी। मैं सोचती थी यह कैसा प्यार है, क्या
कभी कोई इतना भी प्यार किसी से कर सकता है? मैंने सिद्धांत को तो पा लिया था, लेकिन वह मेरा कभी न बन सका। जब उसने तुमसे विवाह किया तो मैं अपने लिए दुखी कम तुम्हारे लिए अधिक प्रसन्न थी। मैं जानती थी कि सिद्धांत अब वही है जहाँ उसे होना चाहिए था। मैं भी उसे खुश देखना चाहती थी। तुम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे। मुझे खुशी है कि मरने से पहले सिद्धांत ने कुछ समय तुम्हारे साथ तो बिताया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। तुम जब चाहोगी मैं मैक्स को तुम्हारे पास भेज दूंगी। मैक्स बिल्कुल सिद्धांत की फोटोकॉपी है, वैसा ही चेहरा, वैसी ही हंसी। फिर मैकलिन और सावी दोनों आंखें बंद किए एक दूसरे के गले में बाहें डालकर अपना अपना दुख समेटे। अतीत की यादों के वे अमूल्य क्षण बीन बीन कर अपनी पलकों पर सजाने लगी। दोनों का एक ही दुख था। मैकलिन बार बार यही दोहरा रही थी, आई एम सॉरी सावी, मुझे माफ़ कर देना, धन्यवाद।